इनकम और इंटरेस्ट इनकम है, पर जी जिनकी और इनकम है, जिनकी कैपिटल गेन से इनकम है या कोई और इनकम है, उनको फिर भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पर ज़्यादा करके जो लोगों को तकलीफ होती थी, जिनकी सिर्फ पेंशन इनकम होती थी या खासकर जिनकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम होती थी और उनको टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था और कई बार असेसमेंट भी होता था, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान भी लगातार जुड़े हुए हैं। त्रेहान जी, आपने बीते 11 महीनों में, बीते 10 महीने कह लें, जब तक वैक्सीन नहीं आई, एक डर और दहशत की स्थिति थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और कब ये पैंडेमिक खत्म होगा, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में कैसा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बेड्स की कमी है, हालांकि कई जगहों पर ऐसे सेंटर्स बनाए गए जहां पर अतिरिक्त बेड्स लगाए गए, ये सुविधाएं मुहैया कराई गई, लेकिन फिर भी लोग इस तरह के सेंटर्स में जाने से डरते थे। आज जिस तरीके का एक बहुत बड़ा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वित्त मंत्री का रहा है, ये दर्शाता है कि विजन साफ है कैसे आने वाले वक्त में अब हेल्थ एक बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है सरकार का। देखो, ये इमरजेंसी में जो बेड्स बने उसमें लोगों को इसलिए कतरा रहे थे कि उसकी सपोर्ट सर्विसेज नहीं थी, तभी लोग हॉस्पिटल्स की तरफ जाना चाहते थे कि जहाँ पे अगर जो कुछ तकलीफ होती है, अगर जो वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है या कोई और हाइमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी होती है, तो उसके लिए पूरी बैकअप हॉस्पिटल की सर्विसेज होनी चाहिए, सेफ्टी उसी में है। तो चलो, इस इमरजेंसी के लिए तो हमें निकलना था, तो ये ठीक था। पर आने आने वाले टाइम में ये भी हमारा अनुमान है कि ये लास्ट पैंडेमिक नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो ये जरूर है कि हमारे को ये खतरा है कि ये दुनिया में फिर ऐसे इवेंट्स होंगे हमारी लिविंग मेमोरी में। इसीलिए जो जो मैंने हमने बातें करी हैं, सर्वेलेंस की, बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर,